हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड क्रिकेट। दोस्तों आज बताने वाला हूँ न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का जो फाइनल होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप में। दोस्तों 14 जुलाई को संडे को ये मैच खेला जाएगा लॉर्ड्स के ग्राउंड में। दोस्तों इस मैच की दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और मैच की प्रेडिक्शन करने वाला हूँ कि कौन ये आईसीसी का वर्ल्ड कप क्रिकेट का क्राउन कौन जीतने वाला है, उसकी मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ उस वीडियो में, और दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 बताऊंगा। तो दोस्तों अंत तक हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। दोस्तों मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपना मैच जीत के आ रही है न्यूजीलैंड इंडिया से। इस वजह से मेरे हिसाब से कोई चेंज करना नहीं चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल में जीत के आ रही है। दूसरे के ओपनर्स की बात करें तो मार्टिन गप्पिल और हेनरी निकल्स की ओपन करेंगे। इनके मिडल ऑर्डर की बात करें तो तीसरे नंबर पे केन विलियमसन, चौथे नंबर पे रॉस टेलर, पांचवें नंबर पे टॉम लेथम आएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके लोअर ऑर्डर की, छठे नंबर पे जेम्स शीशम और सातवें नंबर पे कॉलिंडी ग्रैंडहोम आएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके गेंदबाजों की, तो आठवें नंबर पे दोस्तों मिचेल सेंटर, नवें नंबर पे ट्रेंट बोल्ट, दसवें नंबर पे मैट हेनरी और ग्यारहवें नंबर पे लॉकी फर्ग्यूसन आएंगे। दोस्तों ये रहेगी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। दोस्तों मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होना चाहिए न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में। दोस्तों मेरे हिसाब से इंग्लैंड की टीम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड भी अपना मैच जीत के आ रही और वो काफी अच्छे 17 ओवर पहले ये मैच जीत गए थे, और दोस्तों इंग्लैंड की टीम इस बार काफी अच्छा ओवर क्रिकेट खेल रही है। बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 सेम रहनी चाहिए। दोस्तों इनके ओपनर्स की बात कर ले तो जॉनी बेस्ट और जेसन मॉयन की ओपन करेंगे। दोस्तों इनके मिडल ऑर्डर की बात करें तो तीसरे नंबर पे जो रूट, चौथे नंबर पे यॉन मॉर्गन और पांचवें नंबर पे बेन स्टोक्स आएंगे। दोस्तों इनके लोअर ऑर्डर की बात करें तो छठे नंबर पे जॉस बटलर और सातवें नंबर पे क्रिस वोक्स आएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके गेंदबाजों की, तो आठवें नंबर पे लियाम प्लंकेट, नवें नंबर पे आदिल रशीद, दसवें नंबर पे जोफ्रा आर्चर और ग्यारहवें नंबर पे मार्क वुड आएंगे। दोस्तों ये रही दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आना चाहिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमें अपना सेमीफाइनल जीत के आ रही है, फाइनल में पहुंची है। दोस्तों फाइनल कौन ये मैच जीतने वाला है, सबसे बड़ा सवाल ये रहने वाला है कौन ये वर्ल्ड कप जीतने वाला है, उसकी प्रेडिक्शन करने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की तरफ। तो दोस्तों दोनों ही टीमों का बैलेंस करते हुए दोस्तों दोनों ही टीमों बिल्कुल संभली हुई नजर आ रही है। दोस्तों दोनों ही ने अपने लीग स्टेजेस में इंग्लैंड नंबर 3 और न्यूजीलैंड नंबर 4 पे फिनिश किया था, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड जो है इंडिया से जीत के आ रही है और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से। न्यूजीलैंड 18 रनों से जीत के आ रही है और इंग्लैंड 17 ओवर पहले 8 विकेट से ये मैच जीत के आ रही है। दोस्तों इसमें देखते हुए जो इनका लीग सीरीज में मैच हुआ था उसमें न्यूजीलैंड हारा था और इंग्लैंड जीता। दोस्तों ये देखते हुए तो इंग्लैंड की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, इस वजह से दोस्तों लगता है कि ये इस बार का वर्ल्ड कप इंग्लैंड के ही नाम होने वाला है। दोस्तों मेरे हिसाब से इंग्लैंड ये मैच ये वर्ल्ड कप जीतने वाली है। आपके हिसाब से क्या है दोस्तों, वो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए।